इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुँचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में अनवरत जारी है और इसमें बड़ी तादाद में लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही ये लाभार्थी संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कई इलाकों में पहुंच रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक कर रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद फतेहपुर खजुहा ब्लॉक स्थित भरतपुर और बहादुरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से छूटे पात्रों को लाभान्वित किया जाना है। जिनको नहीं मिला उनको लाभ मिले, इसके लिए ये विकसित भारत यात्रा आई है, जहाँ लाभार्थियों को पंजीकरण भी किया जा रहा है। और उज्ज्वला में तो तत्काल देने का है, किसान सम्मान निधि में जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा वैसे उनके खाते में पैसा आएगा। कार्यक्रम के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। आवास ना था, आवास भी मिल गया, और वो गैस सिलेंडर ना था वो भी मिल गया। सारी समस्याएं हमको खूब मिल रही है, हमें कोई कष्ट नहीं। वो राशन कार्ड भी ना मिलता था वो भी मिलने लगा। योजना का लाभ पूरा मिल रहा है, बहुत अच्छा सारा सिस्टम है सरकार का, सारे लोगों को इसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती। किस्तें बराबर हमको सम्मान, किसान सम्मान की किस्तें बराबर मिल रही है। हमारी धान में खाना पकाती थी, जिससे उनको टीबी वगैरह की बीमारी हो जाती थी, उनके आंखों की बीमारी हो जाती थी, मोतियाबिंद वगैरह हो जाता था, उससे निजात उनको मिल गई, उनको उज्ज्वला गैस फ्री कनेक्शन मिल गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के हर गांव तक पहुंचकर नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ लाभान्वित भी किया जा रहा है। साथ ही प्रयास है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो जन जन तक पहुंचें और नागरिकों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार वैन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैन के माध्यम से जहां लोगों सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं योजनाओं से छूटे हुए लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। देखिए झांसी और ललितपुर से ये खास रिपोर्ट। झांसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईसी वैन का स्वागत किया गया। झांसी के बबीना कैन छावनी परिषद में आयोजित शिविर में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं का लाभ दिया गया। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वैन के माध्यम से दी गई। वहीं शिविर में आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के फॉर्म भी भरवाए गए। इस मौके पर झांसी बबीना छावनी के सीईओ ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी विवेकानंद राजेश भी मौजूद रहे। ये जन जागरूकता अभियान में ये विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए कैंप लगाए गए हैं, जिसमें जो लाभार्थी हैं और जो वंचित रह गए हैं लाभों से, उनको यहाँ पर विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें वो अपने आधार कार्ड लाके और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो प्रमुख योजनाएं जो शामिल की गई हैं, उसमें हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार कार्ड अपडेशन और हमारा जो ई छावनी का भी यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें छावनी परिसर से रिलेटेड भी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बताया। हमें एक उज्ज्वला योजना का भी विकलांग कोटे से सिलेंडर मिला था, जो हम आजकल अपने घर पर उसको उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को सदाए सदाए
नमन करते हैं। अब हमारी छोटी बहन को कनेक्शन मिला है, सवानी को है, बीकेडी पे सवानी एजेंसी, वहाँ से हमें फ्री लाभ मिला है। वह चूल्हे बना रहे, अब गैस पे बना रहा है, अच्छा लग रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सूचना, शिक्षा और संचार वैन इन दिनों ललितपुर के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब नगरीय लाभार्थियों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकास खंड बार एवं बिरधा के धमना, पुलवारा और पड़ोरिया ग्राम पंचायतों में महिलाओं एवं किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें जो लोगों को लाभ दिया जा चुका है वो भी लोग, और जो किन्हीं कारणवश अब तक लाभ नहीं ले पाए हैं उनको लाभ देने की प्रक्रिया इसमें की जा रही है। जिले के जितने लगभग 15-16 विभाग हैं जो है, सभी लोग मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सबके अंदर काफ़ी उत्साह है, और हम लोगों से ज़्यादा उत्साह तो यहाँ की पब्लिक के अंदर है जो काफ़ी बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा ले रही है। वहीं नगर पालिका परिषद के इलाइट चौराहा, रैन बसेरा, नेहरू नगर सहित बस स्टैंड तक आने जाने वाले सैकड़ों लाभार्थियों को योजनाओं के पंजीकरण के साथ साथ जानकारी पहुंचाने में कामयाब भी हो रही है। हमारी जनता किसी तरह परेशान ना हो, उनको जो लाभार्थी योजनाएं सरकार की हैं उनका लाभ उनको मिले और उनको इन योजनाओं की जानकारी हो, इसके लिए विकसित यात्रा लगातार घूम रही है कि भारत हमारा विकसित हो, इस बात के लिए हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं। इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की खुशी देखते ही बन रही थी। पहले हमारा कच्चा मकान हती था, अब पक्का बन गया है, मोदी जी ने बनवा दिया है, गैस सिलेंडर मिला है, नल की भी सुविधा है, टंकी बनवाई गई, बिजली की सुविधा है। खेती बाड़ी में मुझे लागत जो लगती है उसकी परेशानी होती थी, और आज मुझे कम से कम 14-15 किस्तें मुझे प्राप्त हो चुकी है किसान सम्मान निधि से, और अब मुझे खाद बीज लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर चूल्हा मिला है, पहले बनाते मैं गैस पे चूल्हे पे रोटी, फिर बना रहे मैं अब गैस दाव, मोदी साहब ने उस पर खाना बनाते हैं, वो बच्चे पढ़ भी जाते हैं, पहले बहुत परेशानी थी, अब मोदी जी ने परेशानी रह दूर करी। मेरे को पीएम किसान की वो सम्मान निधि मिलती है, और जैविक खेती भी करते हैं, उससे बाजार में जो फर्टिलाइजर से करते हैं उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, जैविक खेती करते हैं उससे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ही यही है कि बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज सफलता के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 3,156 गांव पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित 65,348 स्वास्थ्य शिविरों में 1,03,55,555 लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अब तक लाभ मिला है। शिविरों में 84 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान ऐप का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 19,03,200 से ज़्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शिविर में 36,48,700 से अधिक लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 2,63,000 से अधिक लोगों को उच्च यानी बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा गया है। सिकल सेल रोग के लिए 3,83,000 से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,300 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा गया है। तो फिलहाल समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि पीएम मोदी लखपति दीदी चंदा देवी की